शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की शाम। इसमें माँ जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगनियों को लक्ष्मियां प्रदान करते हैं। लक्ष्मियों को लक्ष्मी माता को और 64 योगनियां दी जाती है। लक्ष्मी मैया उन 64 योगनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाते हैं। भगवान नारायण उन 64 योगनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगनियों को ले जाकर माँ जगजनी आदि शक्ति को देती है। आदि शक्ति उन 64 योगनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदि शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदि शक्ति जगदम्बा के नाम के केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं